हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने कई सारी माइक्रो कंट्रोलर किट्स रखी हुई हैं। ये आमतौर पर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होने वाली माइक्रो कंट्रोलर किट्स हैं, और इसमें हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं। तो आपको बताएंगे ये कितने वोल्ट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा सर्किट यूज होता है, और फिर इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, और सबसे खास बात, इनमें से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर किट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में। सबसे ज्यादा यूज यही वाली माइक्रो कंट्रोलर किट होती है। इसमें देखिए, हमें जो से कनेक्शन है वो आपको बता देते हैं। इसमें देखिए 24 वोल्ट लिखा हुआ है और 0 24 वोल्ट। यहाँ पर इसकी इनपुट जो सप्लाई जाएगी ट्रांसफॉर्मर से हमारी, इसमें किसी ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे मेन ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई आती है वो हम इसमें इनपुट सप्लाई दे देंगे। बाकी देखिए लिखा है CO, ये रिले का कॉमन पॉइंट हो जाता है। IP2, इसमें इनपुट 2 रिले हमारी जो कनेक्ट होती है। फिर IP1, इनपुट 1 रिले। OP यानी आउटपुट रिले, और कट यानी हाई कट और टाइमर की जो रिले होती है उससे कनेक्शन यहाँ पर हो जाता है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शानदार आती है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है। और इसमें हमें, जैसे मैंने आपको बताया है, किसी ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केवल हमारे ट्रांसफॉर्मर की मेन सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर की जो प्लेटाउंड सप्लाई होती है उसी से वर्क करती है। बाकी इसके अलावा अब आते हैं हम दूसरी माइक्रो कंट्रोलर किट के ऊपर। ये देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर किट काफी अच्छी होती है। इसमें भी कनेक्शंस वही हैं जो इस वाली किट में है। दोनों के सिस्टम सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का सेम है, वोल्टेज सेम रहते हैं, और जितनी रिले इससे ऑपरेट हो जाती हैं उतनी ही रिले इससे ऑपरेट होती हैं, और दोनों में लगभग सेम ही फंक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे इस माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में। देखिए, ये जो माइक्रो कंट्रोलर किट है, ये 4 ऑपरेटिंग रिले और प्लस एक टाइमर और हाईकट के रिले के लिए यूज किया जाता है। इसे हम आमतौर पर 50 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट के ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छे फंक्शन है, हाईकट, टाइमर, लोकट सभी कुछ दे रखा है, और इसमें भी किसी ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कनेक्शन इसके भी लगभग सेम ही है, बस इसमें एक रिले कनेक्शन और बढ़ जाता है, बाकी सारे कनेक्शन सेम है। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे ये चौथी माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में। देखिए, ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ में है, डिस्प्ले इसमें साथ में रहता है। डिस्प्ले में सब इसके इनपुट आउटपुट और वोल्टेज वगैरह सब लिख कर आता है। तो ये देखिए, इस पर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, और वीडियो का लिंक और जितनी भी किटें हैं इन सबका जो मैंने सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ये किट जो हमारी है, ये भी 90 वोल्ट के वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए है। इसमें भी 3 ऑपरेटिंग रिले प्लस एक टाइमर रिले का सिस्टम दे रखा है। कनेक्शंस जैसे इसके हैं वैसे ही कनेक्शंस इस किट के भी हैं, बस इस वाली किट में हमें इनपुट आउटपुट और न्यूट्रल का कनेक्शन भी देना पड़ता है, बाकी सारे कनेक्शन सेम है। बहुत अच्छी किट है ये, और आजकल ज्यादातर स्टेबलाइजर में ही माइक्रो कंट्रोलर किट ही यूज किया जाता है, और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उन सारी किटों की खासियत यह रहती है कि हमें बार बार सेटिंग नहीं करना पड़ती, हमें प्रीसेट को एक ही बार सेट करना पड़ता है, एक बार ही हमें कट सेट करना पड़ता है, बस सारे कट ऑटोमेटिक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे वो लोग भी इस किट को इंस्टॉल कर सकते हैं जिन्हें कि स्टेबलाइजर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो भी इस किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई माइक्रो कंट्रोलर किट्स के बारे में। अब बात आती है आपके फ्री गिफ्ट की। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी किट्स आपको दिखा रखी हैं, आपको इनमें से कौन सी किट सबसे ज्यादा पसंद आती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आप में से किसी का भी कमेंट चूज कर लेंगे, और कम से कम 5 लोगों को हम वो किट फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करेंगे जो उन्होंने कमेंट में मेंशन कर रखी होगी। और इसके लिए आपको करना यह है, हमारे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और वीडियो अपलोड होने से एक हफ्ते के अंदर हमारे वीडियो पर कम से कम 10,000 व्यूज होने चाहिए। अगर हमारे वीडियो पर एक हफ्ते के अंदर 10,000 व्यूज आ जाते हैं, तो हम कम से कम 5 लोगों को कोई भी किट जो उन्होंने जिस किट के बारे में कमेंट किया होगा वो किट फ्री ऑफ कॉस्ट हम भेजेंगे, और इसका ना तो आपसे कोई कुरियर चार्ज लिया जाएगा और ना ही किट का कोई चार्ज लिया जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट आप कितने भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।